तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स को आप अपने कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक नया प्लेयर हो, आप एक नया यूज़र हो कंप्यूटर के, आपको नहीं पता कि फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, खेलते कैसे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा। चाहे कोई सा भी कंप्यूटर हो, कोई सा भी लैपटॉप हो, मतलब विंडोज़ में कैसे फ्री फायर डाउनलोड होगा, कैसे वो चलता है, कैसे आप खेल सकते हो, ये सब आज की इस वीडियो में आपको मैं एकदम कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, आपको एक एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ता है। एमुलेटर के अंदर ही गेम चलता है, मतलब कि किसी भी मोबाइल फोन्स के गेम को आप डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं चला सकते, क्योंकि जो मोबाइल गेम्स होता है वो सिर्फ एंड्रॉइड में चलता है और हमारा जो कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है। तो विंडोज वाला इसमें चल जाता है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन्स के गेम को खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि एंड्रॉइड होता है, मतलब उसके अंदर आप किसी भी मोबाइल के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस कुछ ऐसा ही सिंपल सा इसका लॉजिक रहता है। तो अभी आपको सिंपली एमुलेटर डाउनलोड करना है, तो इसके लिए अभी आपको आ जाना है अपने पीसी के ब्राउजर पे। तो अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हूं, तो आप कोई भी दूसरा ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। यहां पर आपको सर्च करना है ब्लूस्टैक। अब यहां पर मैं ब्लूस्टैक सर्च कर लिया, इसे मैं एंटर करता हूं, और उसके बाद यहां पर फर्स्ट में ही देख लेना है www.bluestack करके आएगा, इसमें आपको आना है और डाउनलोड ब्लूस्टैक करना है, और यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ये कुछ 2-4 MB का रहता है, उसके बाद इसका असली अपडेट आता है 400-500 MB का। तो डेटा आपके पास होना चाहिए। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद आपको बताऊँगा। इंस्टॉल करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन देख लो साथ ही साथ। तो अभी लगभग 1 GB के आसपास डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ब्लूस्टैक कम्प्लीटली इंस्टॉल होने वाला है, और ये 4 मिनट बोल रहा है यार, पता नहीं और कुछ आएगा लगता है। हाँ, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, और अब ये इंस्टॉल हो रहा है कंप्यूटर पे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लूस्टैक 5 इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाते हैं आप डबल टैप करना, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लोडिंग होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी इसे कट करना है तो ऐसे कट करके आप क्लोज कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। F11 प्रेस करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, बहुत लोगों को फुल स्क्रीन करना नहीं आता, और F11 वापस से प्रेस करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं धीरे धीरे सब चीज़ बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है, और करीबन 1 GB लग गया, ठीक है ना, इसको डाउनलोड करने में 1 GB लग गया। और यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आप एक जीमेल अकाउंट बना लेना अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर कोई भी जीमेल को यहाँ पर लॉगिन करना। चलो मैं अभी लॉगिन करता हूँ। तो अभी मैंने प्ले स्टोर पर एक जीमेल अकाउंट को साइन इन कर लिया, और आपको मैं बता देता हूँ ये जो आप देख रहे हो एमुलेटर, ये बिल्कुल मोबाइल है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, पूरा मोबाइल है, एंड्रॉयड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर देखो ये एप्लीकेशन है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाला, तो इससे मिनिमाइज़ होता है, इस वाले से आप होम में डायरेक्ट आ जाते हो, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फ्री फायर मैक्स। तो अभी मैंने फ्री फायर मैक्स सर्च किया, फ्री फायर मैक्स आ गया, इसको अभी हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल हो गया है। तो जैसे इंस्टॉल होता है इसको टैप करना, मिनिमाइज़ से इसको हटा देना, ताकि और भी अच्छे से आपका गेम चल जाए। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह है, ठीक है, बिल्कुल मोबाइल है। अब यहाँ पर गेम जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अब इससे पहले आपको मैं कुछ और सेटिंग बताया था, इंपॉर्टेंट सेटिंग। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आ जाना है, यहाँ पर कोर सेलेक्ट करने का आएगा, मेमोरी कितना आप देना चाहते हो ये आएगा, अगर पीसी लो एंड है तो फिर आप यहाँ पर कम दे देना, अगर अच्छा है तो और भी ज़्यादा देना, मतलब आप यहाँ पर सेटिंग वगैरह अच्छे से देख के कर लेना। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, डिस्प्ले में यहाँ पर रिजोल्यूशन कम रखना अगर पीसी लो एंड है तो, और भी यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स है ग्राफिक्स का है, तो इन सबको मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, बस ये डिस्प्ले का मेन रहता है, रिजोल्यूशन कितना रखना है, और यहाँ पर ये कोर्स वगैरह और FPS का ही बस मेन रहता है, बाकी इसमें कुछ गेम्स से रिलेटेड आपका कोई सेटिंग नहीं रहता। तो आप इसको बाद में देख लेना जब टाइम मिल जाए शांति से। तो अभी हम गेम को ओपन करते हैं। गेम जैसे ही ओपन होगा सबसे पहले तो यार परमिशन देना है अपने को, और इसको मैं ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अलाउ करते हैं, और गेम यहाँ पर भी 18 MB का अपडेट हो रहा है, और F11 को भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो फुल स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहा है, जूम इन जूम आउट, और गेम अपडेट हो गया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसमें टैप करने से हमारा ये जो कंप्यूटर का, मतलब कि एमुलेटर का सेंसिटिविटी गेम के ऊपर इफेक्ट करेगा वो यहाँ पर आएगा, मतलब जो गेम के अंदर सेंसिटिविटी होता है वो तो अलग है, लेकिन एमुलेटर में भी आपको मिलेगा, इसमें XY ऐसे ऐसे अलग अलग मिलता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाने के लिए आपको अलग सेंसिटिविटी, इधर उधर के लिए अलग, X और Y का। तो ये स्मार्ट का है, ठीक है, स्टैंडर्ड करूँगा तो इसका अलग आ जाएगा, तो स्मार्ट का है, स्टैंडर्ड का, दो आपको HUD मिल जाएगा। तो अभी आपको मैं आगे और भी समझाता हूँ इसको। तो अभी जो फ्री फायर मैक्स है वो ओपन हो गया, तो मैंने अपना बस एक पुराना वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, तो आप चाहो तो कोई नया भी बना सकते हो। तो यहाँ पर अभी गेम ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले सेटिंग में आना, एंड उसके बाद यहाँ पर कहाँ गया यार, कस्टम एचयूडी यहाँ पर होता है, ये रहा कस्टम एचयूडी, इसमें आ जाने के बाद आपको F11 प्रेस करना है, एंड उसके बाद
यहाँ पर आपको आना है इसमें और स्मार्ट से आपको स्टैंडर्ड में आ जाना है। स्टैंडर्ड इसका ज़्यादा अच्छा है, स्टैंडर्ड में आना है और उसके बाद कंट्रोल एडिटर्स में आ जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम एचयूडी सेट करना है। ये देखो, ये शिफ्ट के बटन में होगा, इसको चाहो तो आप जी भी कर सकते हो, मतलब कि आप जिस भी बटन को टैप करोगे उस बटन को सेलेक्ट करने के बाद तो वो आ जाता है। देखना, अभी मैं जे प्रेस करूँगा तो जे आ गया, वापस से भी मैं शिफ्ट करता हूँ, अब ये शिफ्ट बटन में ही काम करेगा, ठीक है ना। रनिंग वाला यहाँ पर सेव करूँगा, उसके बाद ये देखो सेव कर दिया। और यहाँ पर अगर आप टैप करोगे किसी भी जगह में तो एक नया बटन सेलेक्ट करने का आ जाएगा। एंड इसके बाद सभी बटन का आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या कहाँ कहाँ सेट है। अब यहाँ पर आपको इसको क्लोज करना है, क्लोज करो, यहाँ पर सेव चेंजेस करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको टैप करना, यहाँ पर ये ओपेसिटी आएगा, ठीक है, इसको आपको फुल करना है ताकि आप खुद देख सको। अभी आपको पता नहीं है कि किस बटन में क्या होगा, तो आप इसको ऐसे ही फुल रखना ताकि आपको पता चले कि टैप बटन में अभी बैक ओपन होता है, तो अभी आपको ऐसे करने से पता नहीं चल पाएगा, धीरे धीरे ये याद होगा, तब आप इसको ऐसे करके कम कर लेना। तो अभी इसको फुल रखते हैं, सेंसिटिविटी इतना ही रहना है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करना, बाद में आप धीरे धीरे इसको बढ़ाना, क्योंकि शुरू में अगर आप सेटिंग को इधर उधर कर दिए तो आप कुछ समझ में नहीं आएगा और खेल नहीं पाओगे। एंड यहाँ पर आप जो वी बटन देख रहे हो इसमें आपको कर्सर को लाना है, फिर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप का देख रहे हो ये बटन, तो आपको इसमें एक बटन सेट करना है। इससे होगा ये कि माउस का जो कर्सर है वो गेम के टाइम बंद रहता है, तभी इधर उधर माउस को करोगे तब जाके सेंसिटिविटी काम करेगा। तो इसको ऑन ऑफ करने वाला एक बटन हमको सेट करना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये F1 होगा। तो आप इसको चाहो तो, मैं अपना बता रहा हूँ, ज़्यादातर यूट्यूबर यही रखते हैं, माउस में जो स्क्रॉल करने का बटन होता है उसको आपको टैप करना है, ठीक है। स्क्रॉलर तो होता है लेकिन उसको टैप करोगे तो बटन भी होता है वो, तो उसमें टैप करके ये मिडिल क्लिक में सेट कर लिया। तो मैं इसी को रखता हूँ, ज़्यादातर सब इसी को रखते हैं, आप चाहो तो कोई दूसरा भी रख लेना, क्योंकि इसको बार बार टैप करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ये जो माउस का कर्सर है इसको मैं उसी मिडिल क्लिक बटन को टैप करूँगा जो माउस का स्क्रॉलर है उसको, तो ऐसा ऐसा ये एक बार आ गया। ये देखो, इधर उधर कर रहा हूँ, माउस काम नहीं कर रहा, लेकिन वापस इसको मैं ऐसे करता हूँ, टैप करता हूँ, तो ये अभी सेंसिटिविटी काम करने लगा। तो इधर उधर तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा ना, और जब कुछ लूट कर रहे हो तो इसको ऐसे करके टैप करना पड़ता है, तब ये काम आता है। और कभी कभी सेंसिटिविटी मतलब इधर उधर करोगे ना तो काम नहीं करता, अजीब से हो जाएगा, थोड़ा सा आप माउस को इतना करोगे तो पूरा ऐसे हो जाएगा, तो उस टाइम आपको ऐसे माउस को कर्सर को ऑन ऑफ करना है। तो वैसे में ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो WASD देख रहे हो इसमें से ऐसे आगे जाता है, इसमें से ऐसे, तो कंप्यूटर में धीरे धीरे आपका हाथ बैठेगा, 3-4 महीना लग जाता है खेलते खेलते। शुरू में तो मैं ऐसे करके कर्सर से करता था और बटन नहीं मिल रहा था, शुरू में तो करना पड़ता है। और अब यहाँ पर यार जितने भी बटन हैं वो सब आप देख ही सकते हो, मतलब शिफ्ट में ये भागता है, टैब में बैक ओपन होगा, सी में बैठेगा, तो ये सब आप धीरे धीरे खेलते जाना, स्पीड धीरे धीरे बनेगा। अभी इसको मैं बताने से तो आपका स्पीड बढ़ नहीं जाएगा ना। सो मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे कंप्यूटर में फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करते हैं और खेलते कैसे, इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो सब भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।